मैं माया और विशु अपनी अपनी फैंसी ड्रेसेस पहनकर स्कूल की फैंसी ड्रेस पार्टी में पहुंचे, जहाँ गुरुकाल के कहने पर ट्रेको, शकुर और नागिन है और उन्होंने हमला किया सूरजपुर वासियों और मेरी मम्मी पर। मम्मी को बचाने के लिए हम पहुंचे ड्रेको की नगरी। मैं हूँ वैम्पायर ड्रैगो, मुझे मारना तुम बच्चों के लिए नामुमकिन है। चौंको मत, ड्रैको को मैंने ही भेजा है। एक मौका और दे रहा हूं, वैम्पायर बन रही अपनी मां और उसके जैसे सैकड़ों सूरजपुर वासियों को बचा लो। मायावी चाबी मुझे दे दो। तुम फिर उसी चीज की जिद कर रहे हो गुरुकल, जो तुम्हारी कभी नहीं होगी। अबे! चाबी देने के लिए तैयार हूँ। चाबी, चाबी मिल जाएगी। चाबी मत दे। नहीं अभी, मत दे चाबी। रुको, पहले माया से दूर जा। देखो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं तो मैं सब चला के राख कर दूंगा। रुक जाओ मेरे गुलामों, ये मेरा हुक्म है। अगर जल्दी रुक गया तो रुक्मिणी की जान को खतरा नहीं होगा, पर यह घाव ड्रैको एक वैम्पायर के काटने से हुआ है। उसके काटने का इलाज अगर सुबह तक नहीं हुआ तो रुक्मिणी खुद वैम्पायर बन जाएगी, ड्रैको की गुलाम। तूने क्या कहा था उन चमगादड़ों से? मैंने उनकी भाषा में उनसे यही कहा था कि गुरुकुल हमारा दुश्मन है और काम खत्म होने के बाद वो सबको मार देगा, ड्रैको को भी। लेकिन अभी वो बैच तो ड्रैको के चमचे और गुरुकाल ड्रैको को हमारे पीछे फिर से लगा देगा, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा। हाँ विशु, मुझे मालूम है, पर थोड़ी देर के लिए तो हम वहाँ से बच के बाहर आए, उसी का हम बच तो गए। चलो अब हम लोग इस तरफ जाते, चलो। जाओ तुम सब चमगादड़ो, मेरे गुलामों,
जाओ और उन बच्चों को ढूंढ के लेके आओ। वैम्पायर, रात का राजा, हर इंसान के खून का प्यासा। बच्चों, अबे तुम मेरे इलाके में हो, अब मैं खूनी खेल खेलूंगा। मौत का या उस माया की चाबी का। को कुछ हुआ ना हो, माया विशु कहाँ हो तुम? तुम्हारी हर कोशिश बेकार हो जाएगी बच्चों। तुम्हारे एक दूसरे को खोजने से पहले मैं रात का अंधेरा बनकर तुम्हारे जीवन की रोशनी बुझा दूंगा। देखो, उन दोनों को छोड़ो, अभी अवि को पकड़ो, अवि को। माया! आप कहीं आप ही लल्लू रंगू जी तो नहीं? हम ही लल्लू रंगू, पर तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं आप ही को खोज रहा था। मैं हूं अभी रुद्र का रक्षक, मुझे लाल गुफा तक पहुंचना है जिससे कि मैं ड्रैको को खत्म कर सकूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रुद्र के रक्षक, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम वानरों का कर्तव्य है कि हम रुद्र के रक्षकों की सहायता करें। ये परंपरा मुझे मेरे पूर्वजों से वरदान में मिली है। वो वैम्पायर देखो तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तुम उसके हाथ बताना। लल्लू लंगू जी, मेरे दो और दोस्त यही कहीं खो गए, उन्हें ढूंढने के लिए क्या प्लीज मेरी मदद करेंगे? प्लीज अभी लो। शैतान को खेल लो। अरे बाप रे, ये कौन है? मैं जानता हूं तुम लाल गुफा की ओर बढ़ रहे हो अबे,
लेकिन वहां का भी सुबह नहीं होती और मैं हूं रात का कहर। अभी मेरे दोस्त रुद्र के रक्षक, ये है लाल गुफा का दरवाजा। यहां से आगे का रास्ता अब तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्त। थैंक यू लल्लू जी, आपने हमारी जान बचा ली। दोस्तों ये सिप अपने पास रखो और याद रखना बच्चों, डाको वैम्पायर को इसी लाल गुफा में मारा जा सकता है। समय आने पर इनकी शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूं। अब हमें अपना अगला कदम सोचना है। रात गुजरने में अभी ज्यादा वक्त नहीं है। पता नहीं अभी और उसके साथी क्या कर रहे होंगे। जल्दी करो अभी, समय बहुत कम है। अगर समय पर ड्रैको को नहीं मारा गया तो तुम्हारी मम्मी नहीं बचेगी, वैम्पायर बन जाएगी वो। जल्दी करो। यहाँ से तो हमें बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है और हमें ये भी नहीं पता कि हम हैं कहाँ। आइडिया दोस्तों, लल्लू लंगूर ने हमें जो सीप दी है, हो सकता है कि वो यहाँ हमारी मदद करें। ओए, और उसके साथ करना क्या है, हमें उसे खाना है क्या? इंगेट, खाने को छोड़ के कुछ तो बात किया कर। नहीं दोस्तों, मुझे तो लगता है कि वो एक बॉम्ब है। ये शातिर है तो मैं अभी हूं ड्रैको वैम्पायर। ये कभी लाल गुफा से बाहर नहीं आ पाएंगे। बस एक बार इनसे चाबी निकलवा लूं तो इनका खून चूस के इन्हें भी अपना गुलाम बना लूंगा और वहां पूरा सूरजपुर मेरे वैम्पायरों का खुराक बन चुका होगा। तू सही था। चलो रात का राजा, हमेशा रहता हूँ इंसानों के खून का प्यासा। देख अबे देख, ये है मेरी लाल गुफा। यहां कभी सुबह नहीं होती। अब तुम सब यहां से निकल नहीं पाओगे। यहीं फंसोगे तुम लोग, यहीं। वहां सूरजपुर में तुम्हारी मां और बाकी सब लोग वैम्पायर बन जाएंगे। एक मौका दे रहा हूं तुम्हें, एक मौका, बचा लो इन्हें। मारा भी चाबी मुझे दे दो। चाबी तुम्हारे हाथ आते ही तुम रुद्र का आमलेट पालोगे। चीजों के ऊपर तुम्हारा राज होगा और हम रुद्र के रक्षक ऐसे कभी नहीं होने देंगे। तो ठीक है, मरो यहां। मैं मायावी चाबी तुम्हारे कंकाल से खींच लूंगा।
ड्रैको। मेरी तलवार में शक्तियां तो नहीं है, पर अपनी सुरक्षा करने के लिए मैं इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये ले, ये तेरी मदद करेगा, जल्दी ले। विष्णु ने अपना सीप बर्बाद कर दिया, अब सिर्फ मेरा सीप है, मैं इसे बेकार जाने नहीं दे सकती। बॉबी! मैं हूँ ड्रैको वैम्पायर, रात का राजा और इंसान के खून का प्यासा। अभी तुम्हारा कोई हथियार हम पर असर नहीं करेगा। ये लाल गुफा है, यहां पर अंधेरा ही रहता है, और जब तक अंधेरा है हम हैं। सूरज की किरणें, इसका मतलब सूर्योदय हो गया है। सूरज की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। सात की भी सुबह होगी ड्रैको, अब तुम्हारा खेल खत्म। अगर काम खत्म हुआ दोस्तों, अब चलो मम्मी के पास, चलो। रुक्मिणी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और मैं यहां कैसे आ गई? मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि रात में क्या हुआ था। क्या यहाँ इतना धुआं क्यों है? बुरी शक्तियों के कारण। क्या? मेरा मतलब है, बुरी शक्तियों से रक्षा करने के लिए सूरजपुर में पूजा हुई थी, लोग आरती देने यहाँ भी आए, उसी का धुआं है। सोना आओ। आ
आज नहीं तो कल मैं गुरुकाल बनूंगा और फिर तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। वेरी हैप्पी मुंबासा। कालों के काल गुरु काल किसने किया तेरा ये हाल? चुप है, निकल। मतलब गुरुकाल बच्चों ने आपको फिर से हरा दिया? हारा मैं नहीं हूं कमबख्तों, हरा तो वो है। गुरुकाल वो ड्रेको कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा, वो ठीक तो है ना? मर गया वो ड्रेको। क्या? क्या मतलब है? मतलब मेरे और मेरे सोना के बीच में जो आएगा उसका अंजाम यही होगा, उसका भी हो जाएगा अंटपे बंटे का संता। चुप।